मैंने ये स्टूडेंट क्लास बनाई जो कल बनाई थी, इंटीजर रोल नंबर इक्वल टू वन, स्ट्रिंग नेम इक्वल, सॉरी रोल नंबर एम्प्टी, नेम एम्प्टी, स्ट्रिंग कॉलेज नेम, तीन चीजें थी। हाँ, वेरिएबल के नेम के दरमियान में स्पेस नहीं आ सकता, जैसे मैंने क्लास के रूल बताया था ना आपको कि अंडरस्कोर की जगह और कुछ भी नहीं आ सकता, स्पेस डॉट कुछ भी, सही। तो ये मैंने स्टूडेंट क्लास सेव की, एक क्लास और बनाई मैंने यहाँ पे मेन क्लास, स्टूडेंट एस वन इक्वल टू न्यू एस वन डॉट रोल नंबर इक्वल टू वन, एस वन डॉट नेम इक्वल टू अली, एस वन डॉट कॉलेज नेम इक्वल टू जैक्सन। अब यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, सिर्फ कॉलेज नेम प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। इंजेक्शन आ गया क्योंकि मैंने सेट किया था इंजेक्शन ना। अब इसका एक ऑब्जेक्ट और बना रहा हूं मैं, S2 इक्वल टू नेम ऑफ स्टूडेंट, S2 डॉट रोल नंबर इक्वल टू टू, S2 डॉट नेम इक्वल टू M, कॉलेज नेम सेट नहीं कर रहा। अब नीचे सेकंड लाइन में S2 का कॉलेज नेम प्रिंट करा, तो आपके पास नल एम्प्टी क्योंकि एस टू के ऑब्जेक्ट ने हमने सेव ही नहीं किया, सही। तो ये तरीकेकार तो जो हमने कल देखा था। अब इसमें पीछे बैक एंड पे मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को कॉलेज नेम को स्टेटिक कर रहा हूं। स्टेटिक से क्या होगा कि देखें, ये कोडिंग फिर से लिखता हूं मैं आपके लिए। पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, नेम सेट किया, रोल नंबर सेट किया, कॉलेज नेम सेट किया, प्रिंट करा के देखते हैं एस वन डॉट कॉलेज नेम क्या आ रहा है, जैक्सन, सही है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट एस टू इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एस टू डॉट रोल नंबर मैंने दिया टू, एस टू डॉट नेम दिया अहमद, कॉलेज नेम नहीं दिया, प्रिंट कराता हूं मैं S2 का कॉलेज नेम, S2 का जिसका सेट नहीं किया है मैंने ना, देखा दोनों का जैक्शन आ रहा है, सही। तो स्टैटिक क्या करता है कि इसकी वैल्यू किसी ने भी चेंज कर दी, ये सबके लिए चेंज हो जाएगी। अब जितने ऑब्जेक्ट है ना सबके लिए चेंज हो जाएगी स्टैटिक, सही है। तो यहां पे अब मैंने इसमें क्या किया, एस टू में ये कर दिया। एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं इसमें, एस थ्री इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, एस थ्री का कॉलेज नेम मैं चेक कर रहा हूं, एस थ्री का नेम क्या है, थर्ड लाइन पे रिजेक्शन, ठीक है। थ्री हाँ, अब मैं वही करने लगा था कि थर्ड में तो आपने देखा जैक्सन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड वाले में कॉलेज नेम चेंज करके एपटेक रख रहा हूं, ठीक है। अब देखें इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो पहले दो जैक्सन थे, थर्ड पे आके एपटेक होगी। अब फोर्थ ऑब्जेक्ट बनेगा इसका जब, या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टूडेंट एस फोर इक्वल टू नी ऑफ स्टूडेंट, प्रिंट कर दे एस फोर का कॉलेज नेम, देखें एपटेक। अब जितने भी बनेंगे वो उसके बाद एपटेक आएगा क्योंकि कॉलेज नेम स्टेटिक है,
जिसने भी चेंज कर दिया उसके बाद जो आएगा उनके पास वही जाएगा, लास्ट जो लेटेस्ट है ना वो जाएगा। जैसे पहले ने जैक्सन किया, दूसरे के पास भी जैक्सन गया, हालांकि उसने दिया नहीं था, थर्ड वाले के पास भी जैक्सन गया था, लेकिन अगर थर्ड ने अटैक कर दिया तो उसके बाद जितने बनेंगे 4, 5, 6 सबके अटैक जाएगा। कोई टेंथ वाले ने उसको कोई सीनियोरिटी कर दिया, सबके बाद सीनियोरिटी जाएगा लिखा हुआ। क्या मेन क्लास में चेंजिंग हो गई, मेन क्लास की वैल्यू चेंज कर दिया, अगर स्टेटिक है तो ठीक। तो स्टेटिक वेरिएबल की चेंजिंग तो इस तरह होती है पहली चीज। लेकिन अगर मुझे ये करना हो कि पहला ही ऑब्जेक्ट जो बना उसके पास ही हो जाए जो मैंने सेट किया हुआ, तो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर तो सेट कर नहीं सकता मैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो S1 है ना, ये कॉलेज नेम ये सेट नहीं करे, ये मेरा स्टूडेंट है, इसके पास ही ये स्टूडेंट में जैक्सन जाए, वो तो फिर सबके पास चला जाएगा, एपटेक वालों के पास भी जाएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसकी वैल्यू सेट कर दूं। स्टेटिक जो वेरिएबल होते हैं उनकी एक खसूसियत ये होती है, उनको ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप एक्सेस कर सकते हो स्टेटिक वेरिएबल को। किस तरह? क्लास का नेम लिख के किस क्लास में मौजूद, ऊपर में यहां पे किस क्लास में, स्टूडेंट क्लास में डॉट कॉलेज नेम, ये स्टेटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते। यहां पे मैंने कर दिया जैक्सन, अब देखें S1 का मैंने सेट नहीं किया है, लेकिन S1 डॉट कॉलेज नेम अगर मैं चेक करता हूं तो यहां जैक्सन लिखा हुआ है, राइट। तो स्टेटिक को बगैर ऑब्जेक्ट के भी कर सकते। यहां पे इसी की तरह एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं मैं, इस क्लास में हाँ डायरेक्ट करवाया, ऑब्जेक्ट बनाया बगैर कॉलेज नेम को। अब मैंने S2 बनाया, S2 का कॉलेज नेम चेक करता हूं मैं, और S1 दोनों का चेक करता हूं, तो दोनों का जैक्सन आ रहा है। अब मैंने कहा कि जो ये काम किया था ना, ये मैंने S1 के बाद किया है, S1 बना उसके बाद किया है, तो देखें क्या होगा। फिर भी मतलब किसी भी स्टेज पर आप स्टेटिक वेरिएबल एक्सेस करके चेंज कर दो, सबके पास चेंज होता है, भले लास्ट में, सही। तो स्टेटिक वेरिएबल हमेशा आप क्लास के नाम से एक्सेस करके चेंज कर सकते, सही। अब इसमें एक एग्जांपल हम इस तरह करते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस ये इफेक्ट सब पे करेगा, पूरे प्रोग्राम पे करेगा, एक ऑब्जेक्ट में नहीं सब पे करेगा। ये मतलब पब्लिक में चलेगा, पूरे पूरे सब पे, सब पे चलेगा। लेकिन आगे हम जब मॉडिफायर पढ़ेंगे ना तब देखते हैं इसको भी हम एक्सेस दे सकते हैं कहाँ चले, अगर इसको प्राइवेट कर दिया फिर नहीं चलेगा, हाँ फिर नहीं चलेगा, अभी पब्लिक अभी सब पे चलेगा, फिलहाल ही सब सब एक्सेस कर सकते। आगे रिस्ट्रिक्शन देखेंगे हम किस तरह देते हैं। अब जैसे मैंने ये बनाई क्लास बैंक, एक दिया मैंने कस्टमर नंबर, ये करंट कस्टमर है ना कौन सा, बैंक में होता है क्यू लगी होती है 1, 2, 3, और स्ट्रिंग अकाउंट टाइटल, ये दे दिया मैंने एम्प्टी। तो बैंक से मैंने सेव कर दी फाइल। अब जो मैं अपनी मेन क्लास बनाऊंगा के अंदर मैं बैंक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बैंक का अकाउंट टाइटल दिया कोई भी, और कस्टमर नंबर जो है ये मैंने क्या किया, बी डॉट कस्टमर नंबर प्लस इक्वल टू 1 या प्लस प्लस दोनों में से जो भी कर लो, मैंने कर दिया बी डॉट कस्टमर नंबर प्लस 1, कि जो पहले वैल्यू है ना वो ले उसमें प्लस करे उसमें रखे इंक्रीज कर। अभी उस कस्टमर नंबर की वैल्यू पीछे क्या है 0 क्योंकि इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्या किया गया 0 प्लस 1 उसको दे दी 1,
अब यहाँ प्रिंट करा देते हैं बी डॉट अकाउंट टाइटल प्लस या पहले कस्टमर नंबर प्लस बी डॉट अकाउंट टाइटल। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे नीचे बैंक बी टू इक्वल टू न्यू बैंक बी टू डॉट अकाउंट टाइटल बी टू डॉट कस्टमर नंबर इक्वल टू सेम ऊपर वाली को प्लस वन। इसको भी प्रिंट करा लिया। अब देखते हैं इसको वन और टू। अब जितने बनेंगे ना उनको नया नंबर अलॉट होगा नेक्स्ट नंबर। अब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या करेगा वो, क्योंकि इसने पहले वाले ने क्या किया ओरिजिनल की वैल्यू ओरिजिनल की वन कर दी, दूसरे वाले ने ओरिजिनल की टू कर दी, तीसरा जो है ओरिजिनल में एक इंक्रीमेंट करेगा। अगर स्टेटिक नहीं होता ये स्टेटिक नहीं होता तो क्या करता है इसमें क्या आपको वही देता वन 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 देता रहता। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें चेंजिंग कर सकते। तो ये जो है आपका स्टेटिक वेरिएबल का काम है। क्लियर, समझ आया? हाँ, दूसरे फोल्डर से वो टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे पैकेज के नाम से है, तो उसको अलग फोल्डर में हम करेंगे, फिलहाल अभी हमें इसी में बनाना है। जेडीके का पाथ आप सब लोगों का सेट है, चैट पाथ जो आप करते हैं उसको बाय डिफॉल्ट अगर कर लें, काफी तो आप लोग कर भी रहे होंगे ना बाय डिफॉल्ट आप कर लेते हो। अगर बाय डिफॉल्ट करने के बार बार जैसे मैं डायरेक्ट डॉस ओपन करता हूँ जावा सी लिख देता हूँ सेट पाथ नहीं करता, अगर आप लोगों को करना है बाय डिफॉल्ट तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये पाथ जो है कॉपी कर लें, जहां भी ये जो कॉपी करते हैं हम प्रोग्राम फाइल में गए जहां पे भी आपका जेडीके इंस्टॉल है, जावा में गए जेडीके बिन, ये पूरा आपने कॉपी कर लिया, ये तो स्टेप अभी कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे इसके बाद माय कंप्यूटर इसकी गए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस सिस्टम सेटिंग में गए जैसे ही प्रॉपर्टीज ओपन होंगी ना यहां एनवायरमेंट वेरिएबल का एक नाम आ रहा होगा, एनवायरमेंट वेरिएबल में आप जाएंगे तो यहां ये लिखा हुआ है पाथ। ठीक है, अलग अलग पार्ट टैग स्टैम पाथ, ऊपर पाथ पे आप एडिट करें इसको, एडिट करने के बाद ये जो पूरा लिखा हुआ है ना इसके ऊपर पेस्ट नहीं करना है कुछ शायद, आप भी इसमें पूरा रिमूव करके आप लोग पेस्ट करते हैं, पूरा रिमूव करके नहीं करना है, ये चीज जो लिखी हुई लिखी रहे इसके आखिर में टर्मिनेटर लगाना है और फिर वो पेस्ट करना है कंट्रोल वी से जो मैंने कॉपी किया। इससे क्या होगा आपकी दूसरी फंक्शनलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, जिससे पहले जो लिखा हुआ था ना ये, या आपके कुछ हो सकता है कोई फाइल सिस्टम पे काम कर रहा हो डॉस बहुत जगह काम कर रहा होता है तो वो फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होंगे आप। अगर पूरा इसको हटा के मैंने इस तरह पेस्ट कर दिया सिर्फ यही चीज तो आपके सिर्फ जावा तो अच्छी चलेगी बाकी चीजें विंडोज की डिस्टर्ब हो जाएंगी, राइट? तो आपने क्या करना है टर्मिनेटर लगा के आगे पेस्ट कर देना, मेरे पास हुआ हुआ है ऑलरेडी, देखिए मैं इसको कैंसिल करके मैं एडिट में दिखाता हूँ आपको, यहां मेरे पास टर्मिनेटर के बाद हुआ हुआ है। ठीक है, तो जब इसको आप ओके करेंगे उसके बाद आप यहां से जाके बस सीएमडी ओपन करें और सीडी डेस्कटॉप जावा सी अपनी फाइल का नाम कंपाइल करने जो भी करना है, सेट पाथ वाले की जरूरत नहीं है, ये एक दफा ही सेट कर देगा आपके कंप्यूटर में, चेक करना हो गया है कंफर्मेशन के लिए डॉस पे लिखे पाथ, जैसे लिखेंगे तो ये तमाम जो आए ना मेरे पास ज्यादा मेरे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर हुए हैं इसलिए, आपके पास दो तीन आ रहे होंगे या एक दो आ रहे होंगे तो इसमें आपका वो लिखा होगा जो आपने कॉपी किया, ये वाला कॉपी किया था लास्ट लाइन, ये आपका लिखा होगा कंफर्मेशन के लिए कि वाकई सेट हुआ हुआ पाथ या नहीं।
सही। तो ये इस तरह से आपका डायरेक्ट सेट हो जाएगा, इसके लिए बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों। तो क्लियर स्टैटिक, स्टैटिक में कोई कंफ्यूजन है? स्टैटिक मतलब ये जैसे कल हमें कॉपीज मिल रही थी, वेरिएबल्स की नेम क्या अलग अलग कॉपी थी, स्टैटिक कर देते हैं किसी एक ने भी चेंज कर दिया तो सब पे चेंज होता है। कार नंबर आते अलग अलग, किसी एक कार वाले भी कलर उसका ब्लैक कर दिया ना, तो जितनी कार उसके बाद बनेगी सबको ब्लैक 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 मिलेगी, और किसी और ने वहां पर रेड करके सबको रेड रेड मिलेगी। अगर वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक लिखा कर जैसे कर रहे थे तो हर किसी को अपना अपना कलर मिलेगा। हाँ, जो लास्ट में चेंज कर दी ना फिर उसके बाद वही आया लेटेस्ट में। ग्लोबल में कह सकते हैं, ग्लोबल क्लास में ग्लोबल होगा, सब जगह चलेगा। ये तो हो गया हमारे पास एक मेथड, ये एक स्टैटिक। अब अगर मेरे पास एक लाइन है ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाली और इस पे लिखा हुआ है हेलो, ये तो बहुत सिंपल है। अगर ये कोई चार पांच लाइन का कोड है, छह सात लाइन का कोड है और मुझे इस कोड को बार बार चलाना है, बार बार से मतलब कि जब मैं इसको चलाना चाहूं चला एक ही कोड रिपीट कर, तो हम क्या करते हैं इसको रखते हैं एक ब्लॉक के अंदर। अब चाहे एक लाइन रखें, दस रखें, बीस रखें, सौ लाइन, एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर रखने से चलेगा नहीं है, अभी बना रहे हैं हम। उसके बाद इस ब्लॉक का कोई नाम दे देंगे, जैसे मैंने सी वन नाम दे दिया, माई ब्लॉक नाम दे दिया, ठीक है, जैसे नाम के साथ ये देने लगा इसकी पहचान ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। अब ये चलेगा नहीं, अब जब आप उसको कॉल करेंगे यहां पे सी वन लिख के इस तरह से, तो ये चीज चलेगी जो इसके अंदर, फिर से लिखेंगे सी वन फिर ये चीज चल जाएगी, फिर से लिखेंगे सी वन फिर ये चीज चल जाएगी, सिर्फ ये उसका नेम और ये उसमें थोड़ी चेंजिंग है वो बता दो, इसका नेम और ये, ठीक है, ये लिखेंगे ब्लॉक चल जाएगा, नेम ऑफ पैरेंट्स पे, नेम ऑफ पैरेंट्स, ठीक। एक चीज और है कि जब ये ब्लॉक चलता है तो ये कहता है मैं जब काम कर रहा हूं परफॉर्म, तो मैं कुछ रिटर्न भी दे सकता हूं, हो सकता है उसमें कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं और इससे आंसर दे रहा हूं, ये कुछ आपको दे भी सकता है रिटर्न। तो हमें बताना पड़ता है इसके आगे नाम से पहले कि क्या चीज किस टाइप का डेटा रिटर्न करे, ये नहीं कि क्या रिटर्न करे किस टाइप का डेटा है। अगर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूं तो अभी स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर सकता है अगर चाहे, अगर ये मैं इंटीजर लिख देता हूं तो अभी इंटीजर टाइप रिटर्न कर सकता है। अगर मुझे ये करना है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, मैं चाह रहा हूं कोई रिटर्न ना करे, तो इसके आगे मैं लिखूंगा वॉइड, इसको हम कहेंगे मेथड, सही। कुछ लैंग्वेज में इसको मेथड कहा जाता है, कुछ में फंक्शन कहा जाता है, ठीक। जावा में मेथड कहते हैं, एक्सेल लैंग्वेज में फंक्शन भी कहते हैं। तो इसको जब भी कॉल करूंगा ये चीज चलेगी जो उसके अंदर लिखी, ये हमारी रिपीटेशन बचाने के लिए। हाँ, अब ये जो आएगा ना, ये चीज हम करते हैं डिक्लेयर पूरी की पूरी, तो ये आपकी क्लास के अंदर, ये सिर्फ क्लास के अंदर आएगा, ये मेन मेथड के अंदर नहीं लिख सकता, कि मेन मेथड खुद एक मेथड है और मेथड के अंदर मेथड नहीं बना सकते, राइट। तो इसको हम किसी भी ऐसी जगह लिखेंगे जो क्लास के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर बताते हैं, मैंने क्लास बनाई एग्जांपल, या क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट
यहां पे मैं बना रहा हूं void किसी भी नाम से, my method के नाम से बना दूं, इसके parenthesis, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं system dot out println hello I am from Jackson. Student. ठीक है, ये एक बन गया मेथड जो ये प्रिंट कर रहा है तीन चीज। अब जो इसकी मेन फाइल बनेगी, मेन क्लास बनेगी हमारी, क्लास मेन मेन मेथड, पहले तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मैं लिखूंगा उस मेथड को कॉल करने के लिए एस डॉट माई मेथड, क्योंकि वो स्टूडेंट क्लास में मौजूद है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास में, इसलिए मैंने एस लिखा है। अब जब मैं स्टूडेंट क्लास को रन करूंगा, क्या देखें, इसको अभी मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं फिलहाल। अभी मैं इसको रन करता हूं मेन फाइल को अपनी, कुछ भी नहीं हो रहा। कॉल किया मैंने एस डॉट माई मेथड, अब रन करता हूं मैं, हेलो आई एम फ्रॉम जैक्सन, फिर से मैंने लिखा माई मेथड एस डॉट माई मेथड, दो दफा लिखा हुआ, फिर से लिखा, तीन दफा लिखा हुआ। अब जितनी दफा मैं इसको लिखना चाहूं, कॉल करना चाहूं, तो वही काम करेगा। तो हमारा एक कोड बच गया कि अगर ऐसा ऐसी चीज है जो हमें बार बार करनी है, वो चीज बच गई हमारी, सही है। इससे फायदा ये है हमारा, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब मेथड को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें कि यहां पे मैं रिमूव कर रहा हूं, फिर से बना लेंगे मेथड, रिमूव कर देते हैं। इंटीजर रोल नंबर इक्वल टू, सॉरी रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, दो चीजें, void प्रिंट इन्फो के नाम से एक मेथड बना रहा हूं। ये नाम प्रिंट इन्फो, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका दिया हुआ नाम, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिजर्व नहीं है कोई चीज भी, कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैं प्रिंट करवा रहा हूं नेम has one as is roll number, sorry one नहीं, कि ये लाइन प्रिंट कर दे मेरे मेथड कॉल कर दे। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये मेथड कॉल करता हूं as dot print info, तो आउटपुट में नल है जीरो इस रोल नंबर, क्योंकि वैल्यू सेट ही नहीं है, इस ऑब्जेक्ट की सेट नहीं है, एस की या एस वन कर देते हैं, एस वन डॉट रोल नंबर मैंने सेट किया वन, एस वन डॉट नेम सेट किया अली, और एस वन का प्रिंट इन्फो मेथड कॉल किया, तो देखें क्या आएगा, तो मिनट लगा, तो आपका क्या आएगा, अली हैज वन एज इस रोल नंबर। नया ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट एस टू, एस टू डॉट रोल नंबर, एस टू डॉट नेम, और एस टू का प्रिंट इन्फो कॉल कर एस टू वाले का, तो क्या होगा, एमर हैज टू एज इस रोल नंबर। अब वो अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहा है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला अपनी वैल्यूज को दे रहा है, बैकएंड में क्या हो रहा है, नेम और रोल नंबर दोनों प्रिंट करा रहा है, इसमें पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यू आई उसके हिसाब से चल रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू उसके हिसाब से चल रहा है, सही है। फिर भी अगर स्टेटिक है तो बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, हाँ अभी हम लगा सकते हैं अगर उसको स्टेटिक करना चाहे, अभी नॉन स्टेटिक, अच्छा जो चीज स्टेटिक नहीं होगी उसको नॉन स्टेटिक कहते हैं, सही है।
means why के यहाँ कोई method बनाते हैं हाँ static कर सकते हैं हाँ static कर सकते हैं कोई data type भी दे सकते हैं static भी कर सकते हैं लेकिन static में करना भी बताऊँगा इसमें किस तरह करते हैं ये public static void हाँ वो ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है इसको मैं भी करके दिखाऊंगा स्टैटिक क्यों करते हैं मेथड को और फायदा क्या है उसका ना बताऊंगा अब इसमें क्या हो रहा है प्रिंट इन्फो मेथड है चलें इसमें ये मेथड ही बनाते हैं हम बनाते हैं एक मेथड एक वेरिएबल लेते हैं वैल्यू वन एक वैल्यू टू और एक मेथड बनाते हैं वाइट सम के नाम से सम नाम मैंने दिया कुछ भी हो सकता है ये क्या करे प्रिंट कर दे वैल्यू वन को प्लस करके वैल्यू टू से स्टूडेंट क्लास का मेथड यहां से मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस वन डॉट वैल्यू वन दी मैंने 13 एस वन डॉट वैल्यू टू दी मैंने 43 और एस वन डॉट सम कॉल किया सर तो मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है मजीद करनी है एस वन की वैल्यू चेंज कर दी फिर से मैंने वैल्यू वन 20 वैल्यू टू 20 एस टू सॉरी एस वन का अब सम किया मैंने वैल्यू चेंज करके तो पहले 56 था फिर 40 आया अब यहां मैंने कहीं भी प्लस नहीं किया वो पीछे क्लास में हो रहा है वो क्या कर रहा है आपको प्लस दे रहा है करके सही इसको थोड़ा सा अच्छा प्लस तो कोई भी कर सकते हैं इस तरह करते हैं कि डबल में लेते हैं इसको और इसको लेते हैं ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स ठीक है अब ये मेथड क्या करे डबल एक परसेंटेज का मेथड बनाए ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको प्रिंट करवा दे डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकता था मैं वेरिएबल में रख के करवाऊं डायरेक्ट एक ही बात ठीक है इसको प्रिंट करवा दे इस तरह से परसेंटेज इज पीआर वहां से मैं क्या कर रहा हूं यहां से क्या क्या चीजें चाहिए एस वन डॉट ऑप्टेन मार्क्स मैंने दिए 403 एस वन डॉट टोटल मार्क्स मैंने दिए 1100 और मैंने कॉल किया इसका नाम भी सम की जगह रख देते हैं प्रिंट परसेंटेज के नाम से अब मैं कर देता हूँ स्टूडेंट डॉट प्रिंट परसेंटेज ये क्या करेगा ये उस पर कैलकुलेशन करके एस वन डॉट परसेंटेज ये उस पर कैलकुलेशन करके इसकी परसेंटेज प्रिंट कर देगा सेव नहीं किया था मैंने परसेंटेज 36 पॉइंट वॉट एवर भले वो बड़ी आ जाए वो अभी सीखेंगे आप छुट्टी कैसे करते हैं सबकी से नहीं उसमें चेंजिंग मेथड के लिए चेंजिंग है थोड़ी वो स्टैटिक वेरिएबल के लिए था सर मेथड में भी काम करता है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है सही अब इसमें क्या हो रहा है कि एक फैसिलिटी बन गई स्टूडेंट की परसेंटेज दे रही अब इस क्लास का काम क्या है कि पीछे से मार्क्स दे और परसेंटेज दे देगा सही अब इसको और मॉडिफाई करते हैं एक और बनाते हैं अब मैं बनाता हूं इस तरह से इंटीजर रोल नंबर स्ट्रिंग नेम डबल उर्दू मार्क्स डबल मैथमेटिक्स मार्क्स डबल इंग्लिश मार्क्स तीन मार्क्स आते मेथड बना रहा हूं वॉइड प्रिंट टोटल ये क्या करे उर्दू प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्रिंट कर दे ठीक है अब यहां पे मैं इसको यूज करता हूं इस तरह से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया एस वन डॉट रोल नंबर वन एस वन डॉट नेम इक्वल टू अली एस वन डॉट उर्दू इक्वल टू 32 एस वन डॉट इंग्लिश इक्वल टू 43 एस वन डॉट मैथ्स इक्वल टू
और प्रिंट टोटल वाले मेथड को कॉल करें। अब ये मेथड क्या करेगा, यहाँ पे उसका टोटल प्रिंट कर देगा, तो डबल में 0.0 उसकी आ रहा है। अच्छा टोटल किसका ये नहीं पता है ना, तो साथ साथ वहां पे नाम भी प्रिंट करा दो कि भाई नेम हैज स्कोर्ड। अब आउटपुट कैसा आएगा, अली हैज स्कोर्ड 32 पॉइंट, सॉरी उसको और इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, अली हैज स्कोर्ड 120, सही। ये तो हो गया टोटल का मेथड। एक मेथड में और बता रहा हूं, वाइड प्रिंट परसेंटेज, नेम परसेंटेज इज, आगे परसेंटेज का मेथड लगा देते हैं, लेकिन परसेंटेज के लिए टोटल चाहिए पहले, परसेंटेज में पहले यहां कैलकुलेट कर लेता हूं, डबल टोटल इक्वल टू उर्दू प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश, डबल परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां प्रिंट कर दे परसेंटेज। ये मेथड क्या कर रहा है, परसेंटेज निकाल के दे रहे हैं। यहां से मैं परसेंटेज वाले को कॉल करूंगा, प्रिंट परसेंटेज, अली है परसेंटेज इज 43, अली हैज स्कोर्ड 133। यूजर के जरिए कैसे, हाँ कर सकते हैं, मतलब इनपुट हम यूजर से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा अच्छा कॉल वहां से, कॉल ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं कर सकते, कॉल करने के मेथड होते हैं अलग, वो हम अभी देखेंगे किस तरह करते हैं, कॉल डायरेक्ट नहीं कर सकते, सही। ये तो हो गई परसेंटेज। अब एक मेथड और बना रहा हूं मैं इसका, नीचे void print report नाम से, report नाम से ये क्या करे, ये इस तरह से प्रिंटिंग करे, इसमें थोड़ा ज्यादा काम कर ले, ऐसे एक लाइन दे और प्रिंट करें नेम से पहले रोल नंबर, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मैथमेटिक्स, ये सिर्फ प्रिंटिंग कर रही है सारी चीजें एक साथ। मार्कशीट की तरह, बिल्कुल टोटल मार्क्स, टोटल कर लेते हैं इसको, उर्दू प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश, और परसेंटेज के लिए वही काम के डबल टोटल इक्वल टू उर्दू प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश, डबल परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 300 इनटू 100, परसेंटेज पी और आखिर में ये लाइन, दो दफा ऊपर वालों पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक खत्म हो गया, खत्म हो गया, इस वाले का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, सही, वो भी मैं आगे बताता हूँ उसमें। तो इसमें तीन मेथड है। अब यहां से मैं टोटल प्रिंट कर रहा हूं, टोटल आ रहा था, परसेंटेज प्रिंट कर रहा हूं, परसेंटेज आ रहा है, मैं कह रहा हूं दोनों नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट, देखें पूरी रिपोर्ट आ गई बन के,
अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक और बनाया स्टूडेंट एस टू इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, इसका डेटा दिया कि इसका रोल नंबर है टू, इसका नेम है अहमद, इसका उर्दू के मार्क्स है, इसके इंग्लिश के मार्क्स है, इसके मैथमेटिक्स के मार्क्स है, और एस टू की प्रिंट कर दे रिपोर्ट। अब यहां से कहेंगे सिर्फ डेटा दिया है मैंने, और वहां से प्रिंट रिपोर्ट जैसी मेथड कॉल किया तो नीचे अहमद की भी आ गई, इंग्लिश मार्क्स ये लिखे हुए, उर्दू ये लिखे, मैथ्स ये लिखे हुए, टोटल भी आ गए, परसेंटेज भी आ गए। तो एक ऐसी फैसिलिटी बन गई मेरे पास कि इसके अंदर कोई भी डेटा मैं दूं और इसको यूज करूं, परसेंटेज आ जाएगी, मैथ टोटल आ जाएगा, तो एक यूटिलिटी बन गई। अब वो किसी को हम दें, वो क्या करेगा, सिर्फ डेटा देगा और परसेंटेज चाहिए परसेंटेज मिल जाएगी, टोटल चाहिए टोटल मिल जाएगा। जैसे मैं नीचे अहमद की कहता हूँ मुझे परसेंट पूरी रिपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ परसेंटेज बता दें मुझे एस टू की, तो मैंने प्रिंट परसेंटेज नाम से पीछे मेथड बनाया था एक आपके सामने। तो अब इसकी अहमद की सिर्फ परसेंटेज आ रही है, पूरी रिपोर्ट चाहिए पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये जो आपकी क्लास है ऊपर एक वेरिएबल और ले लेते हैं स्ट्रिंग कॉलेज नेम, और यहां पे प्रिंट कर दे कॉलेज नेम, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो फिलहाल तो नल आएगा, कॉलेज नेम सेट नहीं किया, वहां से कॉलेज नेम सेट करूंगा मैं इनके के S1 का कॉलेज नेम क्या है, जैक्सटन है, S2 का कॉलेज नेम क्या है, जैक्सटन है। अब आ जाएंगे, अरे ऊपर जैक्सटन लिखे थे, यही चीज स्टैटिक में कन्वर्ट करते हैं, कॉलेज नेम बार बार नहीं देते हम, तो स्टैटिक में क्या करना पड़ेगा हमें, यहां से इसको स्टैटिक कर दें सिर्फ। अब यहां पे जो कॉल कर रहा है ना कॉलेज नेम, यहां पे भी या तो ऑब्जेक्ट बना के या क्लास नेम कर, इसके अलावा नहीं, तो यहां हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, इसी क्लास में इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, डायरेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम, और वहां से कॉलेज नेम हटा देता हूं। अब हर किसी का सेट नहीं करता, ऊपर ही एक दफे ही सेट कर देता हूं स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम इक्वल टू एपटेक, एक ही दफा सेट कर दी। अब जितने ऑब्जेक्ट जाएंगे सबके पास एपटेक एपटेक लिखा हुआ है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो बार बार जाएगी वो स्टैटिक कर दिया, ये सेम रहे सबके लिए, बाकी सबकी अलग है, बाकी नेम सबका अलग होता है, रोल नंबर अलग होता है, जो चीजें सेम होती है वो सेम लिख देंगे, स्टैटिक कर देंगे, सही है। तो एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें आप ये परसेंटेज वगैरह मार्क्स वगैरह पता चल रहा है। एक और यहां, अब उस क्लास को, ये जो क्लास है भले इसको डिलीट कर दें, क्लास फाइल है ना, सोर्स को डिलीट कर दें, तो आप फिर भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो एक बनी बनाई एक फैसिलिटी इस तरह बन गई हमारे पास, ठीक है। अब देखें अगर मेरे पास क्लास इस तरह होती, कोई इंटीजर मॉडल मैंने लिया है void my method, अगर मैं यहां प्रिंट करवाऊंगा ना मॉडल को तो ये चल जाएगा, हमने चला के देखा है, काम कर जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर एक और मेथड हो my method 2 के नाम से, इसके अंदर मैं मॉडल प्रिंट कराऊंगा तो ये भी हो जाएगा काम, करके भी दिखा दूं, दोनों काम हो जाएंगे आपके। एक क्लास बना लेते हैं मेन, उसमें ये कॉल करने हैं मेन टू के नाम से,
एम डॉट माई मैथड कॉल करता हूँ और एम डॉट माई मैथड टू दोनों कॉल करता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, जावा सी मेन टू डॉट जावा, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एग्जाम्पल का बनाना, उस क्लास का नाम एग्जाम्पल है, गलती हो एग्जाम्पल है, मेन टू जावा मेन टू दोनों प्रिंट करते हैं क्योंकि मॉडल की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वैल्यू भी मैंने दी हुई है कोई 2000 तो दोनों पे 2000 आ रहा है क्योंकि दोनों कॉल कर। अब अगर मैं ये वेरिएबल जो है ये मैं डिक्लेयर करता हूं यहां पे, ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूं, प्रोग्राम रन करता हूं, अब ये एरर देते हैं क्यों, अभी जो मॉडल है ना ये इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक का स्कोप रखता है सिर्फ, हाँ नीचे वाले के पास नहीं जाएगा, नीचे वाला कॉल कर रहा है ना मॉडल को उसको नहीं पहचानेगा, कि इसका स्कोप सिर्फ उस मेथड के लिए, मेथड से बाहर रखेंगे तो सबके लिए हो जाएगा। अभी उसके लिए अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां रख दूं तो ये सिर्फ नीचे वाले मेथड है स्कोप के लिए, ये इसकी बाउंड्री कौन सी है आउटर, यहां से यहां ऊपर वाला नहीं पहचानेगा। हाँ अगर आप इसको बाहर रख दें यहां रख दें, अब इसकी बाउंड्री कौन सी है पूरी क्लास, मतलब इसकी बाउंड्री हो गई आपकी यहां से यहां तक, अब ये पूरे में कहीं भी एक्सेस होगा। अब चाहे आप यहां ऊपर रखें या यहां रखें नीचे फिर भी चलेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर वहां से भेजेगा, इंटरप्रेटर कहां से भेजेगा आपका इस क्लास से, इंटरप्रेटर ने ऑब्जेक्ट बनाया माय मेथड टू पे भेजा यहां आ गया डायरेक्ट, यहां किसने बोला मॉडल, मॉडल ये रहा, अब ये मॉडल पे गया। अब चाहे मॉडल ऊपर हो नीचे हो आगे हो पीछे हो होना क्लास में चाहिए तो दोनों एक्सेस कर पाएंगे। तो यहां पे अब ये मेन टू वाला चल जाएगा, सही। तो ये जो स्कोप है ना कि मॉडल का जो वेरिएबल है, अगर ये मैंने ये लिखा है यहां पे तो सिर्फ इसके लिए है, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल के लोकल है, और अगर ये सबके लिए अवेलेबल है बाहर है तो ये कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल कि ग्लोबली सबके लिए एक्सेसिबल है। दोनों मेथड में रख दें तो भी हो जाएंगी, क्योंकि देखें इसमें मैंने रखा है मॉडल 2000 और इसमें मैं रख रहा हूं मॉडल एक 1000, ठीक है, तो उस वाले का स्कोप वहां से वहां खत्म हो गया, यहां अपना नया बनाएगा उसका स्कोप रखेगा, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है, दोनों चलेंगे, बस वो ऊपर वाला 2000 देगा नीचे वाला 1000 देगा, ठीक है। बस इसमें लास्ट ये है कि देखें इसमें मॉडल रखा हुआ है मैंने, यहां से मैं क्या करता हूं एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बना के एम डॉट मॉडल कॉल करता हूं, प्रिंट कराता हूं एम डॉट मॉडल यहां से डायरेक्ट, ठीक है। अब रन करता हूं मैं तो इस पे आ जाएगा एरर क्योंकि इसको मॉडल नहीं मिलेगा, मॉडल क्लास का हिस्सा नहीं है, पहले ऊपर रखे हैं वो क्लास का हिस्सा है, अभी मेथड का हिस्सा है, लेकिन हम हमें चाहिए क्लास का हिस्सा, ये जो मेन टू फाइल है एम ये इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल क्लास को। तो अगर ये ऊपर होता क्लास का हिस्सा होता तब ये एक्सेस करता, मेथड के अंदर है तो इसको नहीं पहचानेगा, ठीक। तो इसको इस तरह से हम कहते हैं कि मेथड के अंदर हम रखेंगे तो लोकल बाहर ग्लोबल, सही है। तो ये मेथड क्रिएशन है, मेथड क्रिएशन हमारे तीन चार क्लास या दो तीन क्लास चलेगी अभी, ये तो पहले इसकी क्लास है मेथड की, ये मेथड के साथ और क्या क्या कर सकते हैं ये देखेंगे अभी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है मेथड, ये जो मेथड है कल मैंने बताया था एट्रीब्यूट और बिहेवियर, एट्रीब्यूट होगा आपके वेरिएबल्स, मेथड को हम कहते हैं बिहेवियर, मेथड काम करके दे रहा है। स्टूडेंट क्लास में क्या होता था वेरिएबल सेट नहीं एट्रीब्यूट सेट करते हैं, बिहेव क्या करिए टोटल कैलकुलेट करके दे रही है, परसेंटेज भी बता रही है आपको, रिपोर्ट भी बता रही है आपको, तो बिहेव कर रही है ना कुछ, ये बिहेवियर बना रहा है।
अब आपको एक क्लास बनानी है टीचर नाम से या मैथमेटिक्स नाम से। इसके अंदर एक मेथड होगा वैल्यू वन, सॉरी एक वेरिएबल होगा वैल्यू वन, एक वेरिएबल होगा वैल्यू टू, ठीक है। ये दो होगा आपके वेरिएबल। अब इसके अंदर मेथड होंगे आपके पास चार, सम माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सम का मेथड क्या करेगा, इन दोनों को सम बताएगा, मिन का इन दोनों को माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता देगा, डिवाइड इन दोनों को डिवाइड। चार चार सही, इजी हो जाएगा, नेम कुछ भी दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। ट्राई करें इसको, और कोई क्वेश्चन हो ध्यान में उस भी आप पूछ लीजिए। डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज है। हाँ सही है, ऑब्जेक्ट नेम, हम ऑब्जेक्ट नेम के बाद डॉट लिखते हैं, क्लास नेम डॉट, या तो क्लास नेम लिखेंगे या ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, दोनों में कोई एक चीज लिखेंगे, फिर डॉट लगा दो। हाँ कॉल कह लें, एक्सेस कह लें, एक्सेस करना है उसको, एक्सेस का डॉट के बाद एक्सेस कर दीजिए इसको, एक्सेस का काम कह लें इस तरह का।